समझ नहीं आ रहा है विराट कोहली रोहित शर्मा के ना होने का दुख मनाऊं करके अंदर ना जाऊं। सचिन तेंदुलकर तो खेलते थे, ये कोहली ना भाई बिगड़ गया है, है ना, यही कह रहे हो ना। तुम और विराट अगर हो जाते तो और ज्यादा थोड़ा सा दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये वाला रोना मत रोना कि कोहली तो ये है, कोहली तो लंदन चला गया, कोहली वो जहां मर्जी जाए यार भाई, उसकी मर्जी, वो कहीं पे अपनी छुट्टियां बिताए, तुम्हें क्या लेना देना उससे। और कहते तो ऐसे हो, ये पता क्या, ये सारे वो लोग टेंशन लेते हैं कोहली तो लंदन चला गया। अबे तुम्हारा किराएदार था, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं भर के गया, वो जहां मर्जी रहने तो भाई उसको, भाई इसमें मुझे नहीं लगता। देखो भाई, इस लाइन में मैं भी बहुत यकीन करता हूं कि अगर सचिन तेंदुलकर बिल्कुल मतलब अपने करियर के इतना कुछ अचीव करके, है ना भाई, एग्री करते हैं ना सारे, इतना कुछ अचीव करके भाई दुनिया में उनके जितना तो अचीव ही किसने नहीं किया ओवरऑल, मतलब कमाल, मतलब मैं तो भाई बड़ा मतलब अपने आप को प्राउडली मतलब प्राउड फील करता हूँ कि भाई मैं भी उसी देश से हूँ जिस देश से सचिन तेंदुलकर हैं, तो ये बहुत अच्छी मतलब अपने लिए प्राउड की बात है भाई। तो यार इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ना अगर सचिन तेंदुलकर भी खेल सकते हैं तो भाई इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि फिर विराट कोहली को भी और बाकी जो सीनियर प्लेयर है ना उनको अपने लिए खेलना है कि नहीं खेलना है पता नहीं, उनको जरूरत है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उनको एक मैसेज दे के जाना है इन यंगस्टर्स को कि देखो डोमेस्टिक की वैल्यू करनी है, और वो वैल्यू मीटिंग में खड़े होकर ज्ञान पेल के नहीं आएगी, वो वैल्यू आएगी भाई जब ये सीनियर प्लेयर एक एक मैच या कभी कभार अगर बीच में टाइम मिले तो खेल लेंगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा।